हेलो एवरीवन। कुछ दिनों पहले मैं अपने कॉलेज में एक स्पेशल क्लास ले रहा था। लगभग 1000 छात्राएं थीं। मैंने उनसे कुछ प्रश्न पूछा। चलिए वही प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं और आप उसका जवाब देखिए कि आप क्या देते हैं। पहला प्रश्न है कि क्या पैसे के चलते आपके घर में तनाव रहता है? नेक्स्ट, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के पहले क्या आप उसका प्राइस पहले देखते हैं? थर्ड है, क्या आप इसलिए यात्रा नहीं करते क्योंकि उसमें बहुत पैसा लगेगा या उसमें पैसा लगता है? नेक्स्ट, कुछ भी खरीदने के पहले आप कई बार सोचते हैं? और नेक्स्ट लास्ट पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि क्या आपने हवाई जहाज से यात्रा की है या क्या आप नियमित रूप से हवाई जहाज से यात्रा करते हैं? लगभग 95% छात्राओं का जवाब था हाँ। 4 से 5 प्रश्न में उन्होंने जवाब दिया हाँ। अगर आपका भी जवाब 4 या 5 में हाँ है, मतलब कि आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। मिडिल क्लास के कुछ स्पेशलिटी ही बोलेंगे और ट्रेडमार्क है, एक तो पैसे के चलते हमेशा घर का माहौल थोड़ा गर्म रहता है, एक तनाव रहता है परिवार में। मिडिल क्लास हम जब भी शॉप में जाते हैं तो सबसे पहला काम करते हैं प्राइस टैग देखते हैं। हवाई जहाज से हम यात्रा नहीं कर पाते, कम से कम रेगुलर बेसिस पे तो बिल्कुल नहीं कर पाते। हम यात्रा इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें पैसा लगेगा और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के पहले बहुत बार सोचना पड़ता है। तो क्या हम मिडिल क्लास के कर्स, इसको कर्स ही बोलेंगे कि पूरी जिंदगी खिच खिच में बीत जाती है, पैसे के पीछे पैसा कमाने के पीछे हम अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं और उसके बाद भी हम कहीं बहुत ऊंचाई पर नहीं पहुंचते। मैं भी एक मिडिल क्लास से ही बिलोंग करता हूं, जो मैंने अनुभव किया है मैं वही आपसे शेयर करता हूं। तो चलिए मैं ये आपको बताऊं कि मिडिल क्लास आफ्टर ऑल मिडिल क्लास क्यों रह जाता, उसे वो बाहर क्यों नहीं आ पाता। सबसे पहला कारण है कि मिडिल क्लास हमेशा एक सैलरी पर, एक व्यक्ति के सैलरी पर निर्भर रहता है। साधारण तौर पे फादर ये सिर्फ एक अर्निंग मेंबर रहते हैं और अगर उस परिवार में 4 सदस्य हैं तो चारों सिर्फ फादर के ही इनकम पर निर्भर रहते हैं। ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज में महिलाएं काम नहीं करती। अगर आप सही आंकड़ा जानना चाहें तो मात्र 18% महिलाएं भारत में काम करती हैं और ऊपर से जो लोअर ग्रेड की महिलाएं हैं, लोअर क्लास की महिलाएं हैं, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ काम करना उनकी मजबूरी है। सबसे कम काम मिडिल क्लास की महिलाएं करती हैं। मोर देन 98% महिलाएं सिंपल हाउसवाइफ हैं। तो अगर एक ही आदमी पैसा अर्न कर रहा है और 4 खाने वाले हैं, 4 पर वो पैसा या 3 पर वो पैसा डिवाइड हो रहा है, सपोज मान लीजिए 60,000 इनकम है तो 4 में डिवाइड हो जाएगा तो हर आदमी के हिस्से आ रहा है 15,000, 15,000, 15,000, 15,000। जब 15,000 ही मात्र एक व्यक्ति पर आ रहा है तो हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर होगा। तो अगर मिडिल क्लास के कर्ज से बाहर निकलना है तो सबसे पहला पॉइंट है कि सिर्फ एक व्यक्ति के इनकम से फैमिली कभी ऊपर नहीं उठ सकता। वो चाहे कुछ भी हो जाए, 2 या 3 मेंबर को तो काम करना ही पड़ेगा, महिलाओं को तो काम निश्चित रूप से करना पड़ेगा। अब समय आ गया है तो पुरुष और महिला, हस्बैंड वाइफ दोनों को काम करना पड़ेगा और बच्चे भी अगर 24 से ऊपर चले गए हैं, 24 से उनकी उम्र ज्यादा हो गई है तो निश्चित रूप से उन्हें भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए। यहां पर तो
प्रतियोगिता परीक्षा के तैयारी के नाम पे 30, 32, 35 साल तक बच्चे पिता पर भी निर्भर रहते हैं। अगर हो गया तो ठीक है, लेकिन वो होने वाले लोगों में 0.001% ही लोग होते हैं जो यूपीएससी क्रैक करते हैं या कोई बहुत बड़ा एग्जाम क्रैक कर पाते हैं। नहीं तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि 35 साल तक एक आदमी के सैलरी पर आप टिके हुए हैं, ऐसे में कहीं मिडिल क्लास से आप बाहर निकल आ पाइएगा? बिल्कुल नहीं। दूसरी बात है, इनकम का स्रोत बस एक ही होता है मिडिल क्लास में, इनकम का स्रोत बस एक ही होता है और वो होता है सैलरी। जबकि जो रिच क्लास होता है वो अपना पैसा कई जगह इन्वेस्ट किए रहते हैं, उनके आय के स्रोत कई रहते हैं। तो अगर मिडिल क्लास को भी अपने मिडिल क्लास के कर्ज से बाहर निकलना है तो पैसे को सही ढंग से इन्वेस्टमेंट करना सीखना होगा, ताकि हमारे स्रोत, इनकम का स्रोत 2-3-4 तरीके से हो। कुछ पैसिव इनकम हो, कुछ डायरेक्ट इनकम हो। अब वो इनकम क्या होगा, कैसे हो सकता है, अगर मैं इस वीडियो में बताने लगूं तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए सिर्फ एक इनकम का स्रोत नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक इनकम के स्रोत से हम कभी बहुत रिच नहीं हो सकते हैं, बहुत कम पैसा नहीं कमा सकते। मिडिल क्लास हमेशा बीटन पाथ फॉलो करता है, मतलब घिसे पीटे रास्ते को फॉलो करता है। एक ही ख्वाब होता है, किसी तरह से गवर्नमेंट जॉब लग जाए या फिर कोई भी डिग्री हासिल करके, मैनेजमेंट की डिग्री हासिल करके या कोई भी एक डिग्री हासिल करके, इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करके कहीं नौकरी लग जाए। अगर हम टॉप रैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन से हैं, इंस्टीट्यूट से बाहर निकले हैं, अब IIT IIM के प्रोडक्ट है तो भाई सही है, तब तो हमारा इनकम लेवल बहुत हाई होगा। लेकिन अगेन उस तरह के प्रोडक्ट अगेन 0.001 में होते हैं। 99% मिडिल क्लास के बच्चे कोई बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट नहीं होते। ऑलमोस्ट 97% बच्चे साधारण इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोडक्ट होते हैं, साधारण मैनेजमेंट कॉलेज के प्रोडक्ट होते हैं। और वहां पर फिर आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो एक निश्चित पैसा आपको मिलता है। और झूठे दिखावे और झूठी बात से बाहर निकले तो कोई बहुत बड़ा पैकेज भी नहीं मिलता। वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि मैं बहुत क्लोजली जानता हूँ ये सैलरी, यही कोई 2.5 लाख से पर एनम मैं बात कर रहा हूँ, 2.50 से शुरू होता है जो 10-12 तक जाता है। आफ्टर ऑल तो आप एक फिक्स सैलरी गेट करें। अगर पर मंथ आपको 1 लाख भी सैलरी मिल रही है और आप किसी बड़े शहर में हैं, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे वगैरह में है, मुंबई, दिल्ली वगैरह में है, तो 1 लाख कोई बहुत बड़ी सैलरी नहीं है। 1 लाख में तो आप एक बहुत साधारण सी जिंदगी वहां जी पाएंगे, वेरी ऑनेस्टली। तो बीटन पाथ, बंधे बंधाए रास्ते पे चलने से बेहतर है कि कुछ नया रास्ता एक्सप्लोर किया जाए। मिडिल क्लास को कुछ ना कुछ नया रास्ता एक्सप्लोर करना होगा। कभी भी फिक्स्ड इनकम वाले जॉब से, अगर आप टॉप रैंकिंग जॉब में है तो बात और है, लेकिन फिर वहां पे बहुत कम प्रतिशत के लोग जाते हैं। लेकिन अगर फिक्स सैलरी वाले जॉब में जाते हैं तो कभी भी आप बहुत रिच नहीं हो सकते। आप कुछ भी खरीदेंगे तो लोन पे खरीदेंगे, फ्लैट लोन पे लेंगे, कार लोन पे लेंगे, हर चीज तो आप लोन पे लेंगे। तो आधी से ज्यादा तनख्वाह तो आपकी लोन देने में चली जा रही है, तो आप रिच कहां से होंगे? इसी से जुड़ा हुआ जुड़ी हुई और एक बात है, मिडिल क्लास कभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। स्वाभाविक है कि आप कोई नए फील्ड में हाथ डालेंगे तो वो एक रिस्क वाला है, लेकिन मिडिल क्लास शायद ही कभी रिस्क लेता, बहुत कम रिस्क लेता, नहीं के बराबर रिस्क लेता है। इसीलिए वो जहां है वहीं के वहीं रह जाता है। जो हम लोग स्टार्टअप की बात करते हैं और जो सक्सेसफुल स्टार्टअप लेने वाले कुछ हैं, उनकी फिर से संख्या बहुत ही नगण्य है। बहुत जिनका हम नाम सुने हैं वो गिने चुने लोग हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं,
लेकिन एटलीस्ट हाँ उन्होंने एक ट्रेंड तो सेट किया। मिडिल क्लास का होके भी उन्होंने रिस्क लिया लाइफ में और अपने जुनून के बल पर वो कामयाब हुए। तो जब वो कामयाब हो सकते हैं तो हम भी कामयाब हो सकते हैं। कहने का अर्थ कि बंधे बंधे सैलरी से हम कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते। सेकेंड, पैसा कमाने के लिए हमें कुछ न कुछ नया फील्ड एक्सप्लोर करना होगा, कुछ नया रिस्क लेना होगा। नेक्स्ट से मिडिल क्लास की गर्ल्स क्या पढ़ तो रही हैं? अब ज्यादातर मिडिल क्लास की गर्ल्स सीबीएसई स्कूल जाती हैं, अच्छे स्कूलों में जाती हैं, अच्छी पढ़ाई करती हैं, लेकिन अफसोस है कि उनमें भी बहुत कम संख्या है ऐसी लड़कियों की जो बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करती हैं। ग्रेजुएशन के पहले मतलब 12th तक उनमें जुनून रहता है, 12th के बाद वो ग्रेजुएशन करती हैं, ग्रेजुएशन तक आने आते आते वो जुनून काफ़ी कुछ ठंडा हो जाता है और ग्रेजुएशन के बाद होते होते मास्टर डिग्री में जब हो जाती हैं तब उनकी शादी ठीक हो जाती है। तो बहुत गिनी चुनी लड़कियां बहुत अच्छे पोस्ट पर या अच्छा मुकाम हासिल करती हैं, ज़्यादातर बस यूं ही डिग्री लेने के लिए पढ़ते चली जाती हैं, मास्टर करते करते उनकी शादी हो जाती है। अगर यही सोच रही कि सिर्फ शादी कर लेनी है और उसी के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं तो शादी के बाद भी तो आप एक सिंपल हाउसवाइफ बन के रह जा रही हैं। फिर तो बात वहीं आ जा रही है कि आप पूरी तरह से अपने हस्बैंड पे निर्भर हैं, वहीं के वहीं रह जा रही हैं। हो सकता है आपका सैलरी आपके हस्बैंड का सैलरी थोड़ा हाई हो लेकिन है तो फिक्स जॉब में ही। तो यहां से भी जो आपका ख्वाब है कि बहुत हाईफाई जिंदगी जिएंगे, मस्त जिंदगी जिएंगे, बड़ा अच्छे घर में रहेंगे, ठीक है आप अच्छे घर में रह सकते हैं, अच्छी गाड़ी में घूम सकते हैं, लेकिन लेकिन लोन पर, लोन पे आप चाहे कितनी भी ऊंची जिंदगी जी लीजिए वो टेंशन वाली जिंदगी तो है, क्योंकि हर महीने के शुरुआत में आपको वो लोन चुकता करना रहता है और वो कम टेंशन का काम नहीं है। और हमारी जिंदगी है कि बीच बीच में किसी न किसी कारण से कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते ही रहते हैं और वो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक साबित होते हैं। तो गर्ल्स को भी अपने करियर को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है और सिंपल टारगेट रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल डिग्री मतलब सिंपल जॉब, एंड सिंपल जॉब में कभी आप बहुत पैसा नहीं कमा सकते। अगर बहुत पैसा कमाना है तो आपको ऊंचा लेवल का जॉब करना होगा और उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। गर्ल्स और बॉयज दोनों को मैं एड्रेस कर रहा हूं। मिडिल क्लास में और है क्योंकि पढ़ाई पर एक्सेस स्ट्रेस रहता है कि पढ़ो पढ़ो खूब पढ़ो। व्हाट दे रियली लैक यू नो द स्मार्टनेस एंड बोल्डनेस। मिडिल क्लास में अक्सर देखने को मिलता है बहुत कम लड़के बहुत स्मार्ट और बोल्ड होते हैं और सेम अबाउट द गर्ल्स। सिर्फ पढ़ाई से सफलता नहीं हासिल की जा सकती, बहुत बड़ा मुकाम नहीं हो सकता। आज के डेट पे आपका कम्युनिकेशन स्किल काफी अच्छा होना चाहिए, आपको बहुत बोल्ड और स्मार्ट होना होगा। तो स्कूल डेज से ही कॉलेज डेज से ही आपको फोकस करना हो कि आप बहुत स्मार्ट बनिए, बहुत बोल्ड बनिए, अपना कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव कीजिए, अपना स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव कीजिए, ताकि आप बाद की जिंदगी में आप कहीं भी किसी भी ऑफिस में जा सके, बड़ा स्मार्टली बात कर सकें, अपने प्रपोजल को रख सकें। मार्केट में लोग हैं फिनांस करने के लिए, आपकी आपका अगर थॉट सही है, आपका आइडिया सही है तो लोग हैं, बहुत से बिजनेस मैन है जो आप फिनांस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको इतना बोल्ड और स्मार्ट होना होगा कि अपने आप को जाकर प्रेजेंट कर सके आप। तो नेक्स्ट, ऑर्डिनरी डिग्री से बात नहीं बनने वाली, और अपने आप को अनस्मार्ट और सिर्फ पढ़ाकू बना के कुछ नहीं हासिल होने वाला। यू गॉट टू बी वेरी स्मार्ट बोल्ड एंड यू हैव टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। नेक्स्ट है मिडिल क्लास अपना बहुत ज्यादा समय और पैसा दिखावे में स्पेंड करता है। दिखावे डे टू डे लाइफ में तो दिखावा होता ही है। अब जितना इनकम नहीं है उससे ज़्यादा का हम ड्रेस खरीद ले रहे हैं, ऑनलाइन ऑर्डर दे दे रहे हैं, वो देखने में भले कम अमाउंट लगता है लेकिन धीरे धीरे आफ्टर ऑल घर का तो पैसा जा रहा है।
तो आजकल जो ये ऑनलाइन ऑर्डर का ट्रेंड शुरू हुआ है, ये मिडिल क्लास उससे सबसे ज्यादा ग्रसित है, जिसकी जरूरत नहीं है उसे भी हम मंगाया जा रहे, फिजूल खर्ची है। सबसे बड़ी फिजूल खर्ची होती है हमारा पूजा पाठ में और शादी ब्याह में। पूजा पाठ करना गलत नहीं है, लेकिन हर पूजा पाठ में अनाप शनाप उतना पैसा स्पेंड करना, जबकि हमारी इनकम का स्रोत बहुत लिमिट है, बहुत जेन्युइन साउंड नहीं करता, ये वाइज स्टेप नहीं है। एंड सेम अबाउट मैरिज में, इतना ज्यादा दिखावा किस लिए, इतने ज्यादा लोग को हम क्यों इनवाइट करते हैं शादी में? और जितने लोगों को इनवाइट करते हैं, बिलीव मी आउट ऑफ से 100% में मैं बात करूं, 85% लोग हमारे बारे में कुछ सकारात्मक नहीं बोलते। हम किस पर इंप्रेशन डालना चाह रहे हैं? 85% लोग बड़ा, यू कैन से, इनडिफरेंट रहते, उदासीन रहते हैं। बल्कि थोड़ी सी त्रुटि अगर हो जाए, कुछ कमी रह जाए, तो उसका ढिंढोरा पीटते चलते हैं। मिडिल क्लास को बहुत जरूरी है कि अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को कट डाउन करे, और खासकर ये मैरिज वगैरह में। अब लड़की देखने वाले हैं तो अनाप शनाप खूब तैयारी होती है। किस लिए, किस लिए दिखावा? बिल्कुल नहीं, ये सब पे खुद सोचने की जरूरत है। शादी में अनाप शनाप जो पैसा खर्च करते हैं उसे भी रोकने की जरूरत है। ये जो लेन देन वाला जो सिस्टम है उस पे भी उसे भी रोकने की जरूरत है। लड़की को मैंने पढ़ा दिया है, लड़की सेल्फ डिपेंडेंट है, वो काफी है। अगर लड़के वाले दहेज मांग रहे हैं, भूल करें भी ऐसे लोभी लोगों से अपनी बेटी की शादी आप क्यों करवा रहे हैं? ऐसे लोगों को तो पुरुष बोलना भी नहीं चाहिए, जो कि अपने बलबूते पर एक लड़की को अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते, आपकी बेटी को अच्छी जिंदगी नहीं दे रहे हैं, दे सकते, वो पुरुष हैं। तो मिडिल क्लास का जो ये आडंबर है, ये दिखावा है, इससे बाहर आने की सख्त जरूरत है उन्हें। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मिडिल क्लास हमेशा ख्वाब देखता है, प्रैक्टिकली काम नहीं करता, बहुत एडवाइस देता है। शायद मैं भी एडवाइस ही दे रहा हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप भी एक टिपिकल मिडिल क्लास का बनकर रह जाए। मिडिल क्लास एक ख्वाब देखता है, काम बिल्कुल मिडिल स्तर पर ही करता है, सब कुछ परंपरा, सब कुछ लकीर की फकीर की तरह काम करता है। बहुत जरूरत है हमें लकीर के फकीर से बाहर निकलने की, कुछ नया करने की, कुछ नया सोचने की, नया रिस्क लेने की। परिवार में हर सदस्य को आत्मनिर्भर बनने की बहुत सख्त जरूरत है। हमें एक्स्ट्रा इनकम के स्रोत तलाशने की जरूरत है। मैंने कुछ जो विचार दिए हैं, अगर उस पर फॉलो किया जाए तो निश्चित रूप से हम मध्यम वर्ग के कर्ज से, मिडिल क्लास के कर्ज से बाहर निकलने में कामयाब होंगे। बातें आपको ठीक लगी हो तो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियोस में। थैंक यू।